यार सच में जो बंदा मेरे चैनल पे आ गया ना, उसको ऐसी ऐसी मज़े मज़े की बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी रियलिटी पे बातें बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक भी बहुत मज़े का है, एडवाइस कर रहा हूँ आप लोगों को। चलें फिर आप वीडियो की तरफ चलते हैं। ये दरख्त देख रहे हैं आप लोग, ये दरख्त वो दरख्त है जिस पे पैसे उगते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, यार आप तो बाहर हैं, आप तो पैसे, तो कहते हैं ना पैसे छाप रहे हैं। तो हाँ मैं छाप रहा हूँ, इधर दरख्त के साथ लगे हुए हैं पैसे। मैं ये दरख्त के बीज मिलते हैं, यहाँ से बीज बोता हूँ, दरख्त बनता है और फिर वहाँ से पैसे इस दरख्त से बनना शुरू हो जाते हैं और मैं उतारना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि हमारी पाकिस्तानियों की यही थिंकिंग बनी हुई है कि ब्रॉड में जाके ना पैसे दरख्तों के साथ लगे हैं, बस ऐसे ऐसे करके उतारी जाने और भेजी जाने। तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को एक रियलिटी बताऊँ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में दो तरह के लोग देखे हैं साइप्रस में आने के बाद। एक वो जो साइप्रस आने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं, एक वो जो साइप्रस आने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं, और दूसरे वो जो साइप्रस से जाने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं, लाइक मी। अब्रॉड की लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं है, बहुत टफ होती है यहाँ पे ज़िंदगी। देखने वाले को बहुत मज़े की लगती है कि यार बहुत मज़ा है बाहर की लाइफ में, बहुत मज़े होते होंगे, भाई ने चश्मे लगा के, बाल छाल बना के, शर्ट वर्ट पहन के, बड़ी क्लासिक मम्मी डैडी बन के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, जैसा इंसान सोचता है ना, हमेशा याद रखिएगा, जैसा इंसान लाइफ में सोचता है वैसा नहीं होता, हमेशा चीज़ उससे अपोजिट होती है। सो हर चीज़ को देखकर फिर इंसान को फैसला करना चाहिए। मैंने लाइफ में बहुत से गलत स्टेप उठाए हैं जिसके लिए अब मैं भुगत रहा हूँ वो चीज़ें। परदेस वर्ड तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत, ये वही समझ सकता है जो परदेस में होता है। इस वर्ड का मतलब कि अपने घर वालों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अपने घर वालों से दूर, परदेसी बाबू, हाय परदेसी। समटाइम परदेस में अपने आंसू छुपाने के लिए भी ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। हम अपनी लाइफ में, अपनी एक छोटी सी लाइफ है उसमें हम अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्त, ऐसे लोग छोड़ के हम यहाँ पर देश में आ जाते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि हमने दोबारा ज़िंदगी में इनसे मुलाकात करनी है कि नहीं करनी। वेरी टफ सिचुएशन। वेल न्यू इनटेक शुरू होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं आप लोगों को न्यू इनटेक में आ रहे हैं। स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करें, मेहनत करें आप लोगों, अल्लाह करे आप लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। मैं तो वैसे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार अपनी कंट्री में रह के या थोड़े पैसे कमा के तो अपनी कंट्री में ही रहें। मैं तो आपको वैसे यही रिकमेंडेशन दूँगा अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं। बाकी हर किसी की अपनी होती है। कुछ लोग वो कहते हैं ना कि तब तक नहीं वो बाज आते जब तक वो कहते हैं कि हमें धचका ना लगे, हमें कोई ऐसा हमारे साथ हो कि हम फिर ही बाज आएँ। बाकी हर किसी की अपना माइंड है। कुछ लोग कहते हैं हम स्ट्रगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स मैं भी यही सोच के वैसे साइप्रस में आया था कि स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन बड़ी अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पर। वेल आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा। आप लोग भी ज़रूर आएँ, आप लोग भी एक्सपीरियंस गेन करें यहाँ से, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन ऑफ कोर्स आप लोगों को भी करना चाहिए। या जितनी हार्ड वर्किंग आपने यहाँ पे आगे करनी है, जितनी हार्ड वर्किंग
आप लोगों ने यहाँ पे आगे करनी है। आई थिंक कि मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग पाकिस्तान में रह के थोड़ी हार्ड वर्क कर लो। पाकिस्तान में, इंडिया में, या जिस कंट्री से भी आप लोग बिलोंग करते हैं उस कंट्री में आप रह के थोड़ी सी हार्ड वर्क कर लो। आई थिंक कि वो यहाँ की ज़्यादा हार्ड वर्क से बेटर होगी। यहाँ आके आप लोग, हाँ पता नहीं क्या हम लोगों ने सोचा हुआ है, समझा हुआ है कि पता नहीं क्या है साइप्रस, क्या है पता नहीं क्या साइप्रस को उठाया हुआ है लोगों ने, ये वो, ये हम लोगों ने नहीं उठाया हुआ, ये यहाँ की एजेंट माफिया ने उठाया हुआ है साइप्रस को। साइप्रस पता नहीं क्या हो गया यार, इससे प्यारा हमारा पाकिस्तान है, आप लोगों का इंडिया, आप लोगों की अपनी कंट्री हो गई यहाँ से ज़्यादा पता नहीं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवाइजेज दी आप लोगों को, पता नहीं अच्छी लगी होगी कि नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान में या अपनी कंट्रीज़ में रह के ऐसी एडवाइजेज जब हमें कोई घर वाले देते हैं तो हम सुनना पसंद नहीं करते। तो मैंने साइप्रस में रह के आप लोगों को एडवाइस दी हैं, अच्छी अच्छी एडवाइजेज दी हैं, स्टडी करनी है आ जाओ, हार्ड वर्क करनी पड़ी है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करोगे यार फिर भी आ जाओ। पहले आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंसान को एक्सपीरियंस गेन करने चाहिए, आप लोग भी आएँ एक्सपीरियंस गेन करें, फिर आप लोग भी लोगों के साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। बेस्ट ऑफ लक, मैं फिर भी कहना चाहूँगा आप लोगों को अगेन बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा। मोटिवेशन वीडियो नहीं थी आज की मेरी वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। आज की वीडियो मेरी सिर्फ एडवाइस पे थी आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाएँ, वहाँ पर अपना मुझे मैसेज बताएं आप लोगों को, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरे इंस्टा पे भी आ जाएं आप लोग, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ से सबसे पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, और ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस आप लोगों को का नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें, टिकटॉक पे भी आईडी बनाई हुई है, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें, और कौन सी रहेगी, फेसबुक पे भी आ जाएं, और क्या रह गई, और जो भी है चलें छोड़ें, बस यही था। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।